पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सतीलाल बेगा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी गणित के नए समीकरणों का दौर बना हुआ है। विदित हो कि बांधवगढ़ विधानसभा से दूसरी बार उम्मीदवारों की तरह सतीलाल बेगा भी मजबूती से कांग्रेस से टिकट मिलने का दावा ठोक रहे थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने सबलगढ़ विधानसभा से सावित्री सिंह को टिकट दिया है। इस कारण सतीलाल बेगा कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, इस कारण से उन्होंने भाजपा का दामन थामा और घर वापसी कर ली। गौरतलब है कि लगभग एक दशक पूर्व सतीलाल बेगा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से नगर परिषद अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ा और नगर परिषद अध्यक्ष रूप निर्वाचित भी हुए थे। विदित हो कि वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 18,000 के करीब मतों का संग्रह किया था। बताया जाता है कि सोमवार को सतीलाल ने पूर्व सांसद और कई बार के विधायक ज्ञान सिंह के समक्ष भाजपा का दामन थामा। इस दौरान मनीष थे, नईम बेग सहित भाजपा पदाधिकारी और समर्थक मौजूद थे। भाई, आज लगभग एक दशक के बाद आपकी भारतीय जनता पार्टी परिवार में पुनः वापसी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस समय आप? भारतीय जनता पार्टी का पहले मैं स्वयं सेवक था। आज जो हमारे दाऊ साहब ने बुलाकर जो सदस्यता दिलवाई है, मैं उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप लोग के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी घर वापसी हुई है, किसी की घर वापसी हो, ठीक है, कोई भटक जाए और वो घर वापस आ जाए तो उसको खुशियों से भरा समझना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, घर वापसी हुई है, आगे हो जो होगा वो सब अच्छा होगा। नौवां दिन है माँ दुर्गा की। इस शुभ अवसर पर हम आप सबको बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी है कि हमारा पुराना साथी नगर परिषद नौरोजाबाद का पूर्व परिषद अध्यक्ष, जो हमारे पुराने साथी रहे, आज बहुत दिन तो नहीं लेकिन बीच में बिछुड़ गए थे अपन एक दूसरे से, आज हम हमारे साथ, हमारे दल में, हमारे परिवार में आदरणीय सतीलाल जी भाई आज इस संकट की घड़ी पर, महाभारत की लड़ाई पर सदल बल और बड़ी प्रेम पूर्वक और सभी साथियों के साथ में आज पुनः हमारे परिवार में, हम सब लोगों के बीच में आज सम्मिलित हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं आदरणीय सतीलाल भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस घड़ी में आपका सहयोग, आपका स्नेह हम पार्टी जनों को मिला। हम पार्टी और व्यक्तिगत मैं इस आज की मुलाकात को कभी नहीं भुला पाऊँगा। आइए हम सब लोग एक साथ रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय शिवराज जी के योजनाओं को, उनके द्वारा जो जनहितैषी योजना लागू की गई हैं, हम सब मिलकर के जनता तक पहुंचाने का काम करें। और सामने जो हमारी ये महाभारत की लड़ाई है, इसमें आप आदरणीय सतीलाल जी भाई का, उनकी टीम का, चंदानी जी का बहुत बड़ा योगदान हमें मिलेगा। मैं बहुत बहुत पुनः एक बार हृदय से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।